प्यार से बोलिए धन गुरुनाना। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है, कमाल की घटना है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छिपा है। नाहन मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देहरादून की पहाड़ियों में गए थे। बड़ी लंबी घटना है दास, एक पहलू लेकर बता रहे। देहरादून की पहाड़ियों पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गए। राम राय जी जिन्हें सिक्खी से निकाल दिया गया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, औरंगजेब की सहायता से देहरादून में रह रहे थे। उन्हें पता चला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, तो उन्होंने उन्हें मैसेज भेजा, सुनेहा भेजा, क्योंकि वो पश्चाताप में जल रहे थे, बहुत बड़ी भूल कर बैठे थे राम राय जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पश्चाताप में जल रहे थे, वो परेशान थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को रिक्वेस्ट भेजे कि यमुना की नदी में नाव में सवार होकर मुझे अकेले मिलो, कोई साथ में नहीं होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मान गए। नदी है, नदी के किनारे पर बहुत सारे शिष्य राम राय के खड़े हैं, बहुत सारे शिष्य राम राय जी के खड़े, और बहुत सारे सिख बहुत गिनती में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी खड़े हैं। नाव में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और राम राय जी नदी के बीच में जाके आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो राम राय के शिष्य हैं वो पीट करके खड़े हैं नदी के, नाव और नदी की तरफ पीट करके खड़े हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख सन्मुख खड़े हैं, सीधा खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना, ध्यान से समझना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और राम राय नदी के बीचों बीच नाव में बातचीत कर रहे हैं। जो राम राय के शिष्य हैं वो नदी को और नाव को पीठ देकर खड़े हैं, हजारों की गिनती में पीठ देकर खड़े हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख सन्मुख खड़े हैं, सीधा नाव भी दिख रही है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी दिख रहे हैं। जब नाव किनारे लगी तो राम राय ने अपने शिष्यों से पूछा, पीठ देकर क्यों खड़े हो, सब उल्टा होकर क्यों खड़े हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनके शिष्यों ने जवाब दिया कि हम आपके सिवाय किसी और के दर्शन नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि हम आपके सिवाय किसी और के दर्शन नहीं कर सकते। हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन नहीं कर सकते, हमारे गुरु आप हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े और अपने सिखों से यही सवाल किया, भाई तुम क्यों नहीं पीठ देकर खड़े हुए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुम सीधे क्यों खड़े रहे? तो सिखों ने हाथ जोड़े, कहने लगे पाछा, सबसे पहली बात हमें तो आपके सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके सिख हैं, इतनी नफरत नहीं है मन में कि किसी को देख भी ना सके। और सबसे बड़ी बात सिखों ने जो कई हाथ जोड़कर कहने लगे, अगर हम उन्हें पीठ देते तो आपकी तरफ भी तो पीठ हो जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को, अगर हम उनके गुरु को पीठ देते हमारे गुरु की तरफ भी पीठ हो जाती, इसलिए हम आपको पीठ तो दे ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम राय शर्मसार हो गए, आंखें झुक गई उसकी, कि क्या शिक्षा दी है अपने शिष्यों को उसने। सिखों ने कितनी बड़ी बात कह दी, और ये ज्ञान है, तत्व है। जब हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तब समझाया, जब हम किसी दूसरे के गुरु को पीठ देते हैं, निरादरी करते हैं, सबसे पहले अपने गुरु की तरफ पीठ हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं, सबसे पहले पीठ गुरु नानक की हमारी तरफ हो जाएगी। सबसे पहले जो कोई भी किसी के धर्म की निंदा करता है, किसी के गुरु की बुराई करता है, सबसे पहले उसके गुरु की पीठ उसकी तरफ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बार बार समझानी पड़ती है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है आज साथ संगत जी। सोशल मीडिया देख लो, एक दूसरे के धर्म की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत से हाथ जोड़कर बेनती है, जो अमृत वेले उठते हैं इन चीजों में कभी मत पड़ना, ये गलती मत कर बैठना, किसी के गुरु के, किसी के धर्म के, किसी के भरोसे की।
किसी के मन को ठेस मत पहुंचा देना कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन इस शब्द में बार बार कह रहे हैं, ओम नमो भी बीच में आया, नारायण भी आया, अल्लाह भी आया, राम भी आया, नानक भी आया, एक ही शब्द में और सारा समझा के सार कह रहे हैं वो सार कि तू ही एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक ओंकार, तू ही एक, एक ही है। ये मन से भरम निकाल दो कि अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु।